हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप वीडियो के नीचे वीडियो से संबंधित कमेंट भी दे सकते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे आदमी के बारे में जिसने एलियनों के बारे में ज़िंदगी बारे खोज करते हुए हमारे सामने ऐसे सबूत पेश किए हैं कि हम उन सबूतों को झुठला नहीं सकते। उस आदमी का कहना है कि जितने भी देवते हुए हैं जिनकी हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, वो सब एलियन थे और वह अक्सर हमारी धरती पर हमें ज्ञान देने आया करते थे। इस आदमी का नाम है एरिक वान डेनिकन। डेनिकन 17 साल की उम्र से ही एलियनों पर सर्च कर रहा है। एलियनों के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए डेनिकर कई देश घूम चुका है। डेनिकर उन देशों में जाकर उनके धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया है और उसने यही पाया कि जितने भी देवता की कहानियां हैं, ये सब यही इशारा करती है कि ये देवता कोई और नहीं बल्कि ये एलियन ही थे जो समय समय पर धरती पर आकर हमें नई नई चीज़ें सिखाते थे। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि यह देवता किसी बड़े वाहन पर बैठकर धरती पर आया करते थे। डेनिकन का मानना है कि यह वाहन जो के उड़ते थे और कुछ नहीं बल्कि एलियनों के स्पेसशिप ही थे। धरती के लोग उन्हें उड़ता देख हैरान होकर उन्हें भगवान या देवता समझ लेते थे। हमारे हिंदू ग्रंथों में भी कई ऐसे जिक्र मिलते हैं कि देवता धरती पर आते थे, उनके पास उनका वाहन होता था जिस पर बैठकर वह धरती पर आते थे। डेनिकन का मानना है कि ये एलियन धरती पर कई लोगों के साथ शरीर के संबंध भी स्थापित करते थे, जैसे कि महाभारत में जिक्र आता है कि कुंती माता ने देवताओं का आवाहन किया और उनके साथ शरीर के संबंध बनाने से उन कुंती को 5 पुत्र पैदा हुए थे। डेनिकन ने कई साल भारत में रहकर खोज की। उसने कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया। हमारे भारतीय हिंदू ग्रंथों में धरती के ऊपर और भी कई लोगों का जिक्र मिलता है, जैसे देवलोक, गंधर्व लोक, सूर्य लोक, विष्णु लोक। डेनिकन का कहना है कि यह सब और ग्रहों का जिक्र है जो हमारे गैलेक्सी में है। पुरातन ऋषि मुनियों के पास ऐसी टेक्निक थी कि वह उन देवताओं के साथ संपर्क साध सकते थे। डेनिकन ने बताया कि मोजिस की किताब में ईश्वर के धरती पर उतरने की कहानी है। वो कहानी कहती है कि ईश्वर आग बरसाते और शोर मचाते हुए वाहन में बैठकर पहाड़ी पर उतरे थे। डेनिकन ने कहा कि मेरे ईश्वर को धरती पर आने के लिए या कहीं जाने के लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं है, या ईश्वर नहीं बल्कि एलियन थे जो हमें ज्ञान पढ़ाने के लिए आए थे। दोस्तों, ऐसे ही द बुक ऑफ इनोक है जिसे के बाइबल से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि ईसाई लोग इसे विवादग्रस्त मानते हैं। उस बुक में लिखा है कि ईश्वर ने इनोक को एक आग उगलते रथ में बिठाकर धरती से बाहर भेज दिया था। तो इस बात पर डेनकिन का कहना है कि वह उस समय जो उन्होंने देखा वह कोई आग उगलता हुआ रथ नहीं बल्कि एक स्पेसशिप था। जैसे आज हम मिसाइल देखते हैं, मिसाइल से आग निकलती है जब उड़ती है, तो वह उसी तरह वह एक स्पेसशिप था। दोस्तों, ऐसे ही डेनकिन जब इजिप्ट गए तो उन्होंने वहां का इतिहास पढ़ा जिसमें लिखा था कि पिरामिड क्योस फेरो के द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने खोज की कि यह क्योप्स कौन था। ना तो क्योप्स की उन्हें वहां कोई मम्मी जानी कवर मिली और ना ही क्योप्स का कोई स्टैचू मिला। तो दोस्तों, डेनकिन ने सवाल उठाया कि यह क्योप्स कौन था। डेनकिन ने कहा कि जिसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है उसका कुछ पता नहीं, वह कौन था और कहां से आया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी ऐसी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो वह अपने गुणगान करता कि मैंने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, पर यह क्योप्स तो एकदम कोई गुमनाम शख्स है, शायद वह शख्स किसी और दुनिया से आया था। इजिप्शियन लोगों का भी कहना है कि इन पिरामिडों को बनाने के लिए देवताओं ने उनकी मदद की थी। आज से कई साल पहले डेनकिन ने चेरियट्स ऑफ द गॉड नाम की किताब लिखी थी
जिसकी उस समय 5 लाख कापी हाथों हाथ बिक गई थी। डैनकल की किताबों की 6 करोड़ से ज़्यादा बिक्री हो चुकी है। आप चाहे तो इनकी किताबें खरीद कर या गूगल पर इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से संबंधित कमेंट आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हो। हम ऐसे ही और नई नई वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।